रहेंगे और से जारी करके उन्हें चेक किया जाएगा। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी बाहर निकले रिपोर्टिंग के लिए भी या कोई किसी और चीज के लिए भी, तो आप अपने पास विधिवत उसको पास इश्यू करवाएं। और फिर भी ये रिक्वेस्ट है कि आप जितना पॉसिबल हो आप अंदर ही रहें। थैंक यू। हाँ जी, मीडिया के लिए पास ऐसे ही जारी होंगे जिनको बहुत जरूरी होगा। अब सभी को इजाजत नहीं होगी बाहर रहने की। जैसे किसी को कोई कोई चैनल या कोई ग्रुप को एक एक पास हम जारी करेंगे जिनमें से एक प्रतिनिधि जो है आपका रिपोर्टिंग के लिए बाहर आ सकता है। देखिए, जैसा जबलपुर में चार केस जैसे आए हैं वो करीबन 14 दिन जो है, जहां तक मुझे मालूम हुआ है कि वो 14 दिन तो घूमते रहे हैं। तो हमारे जिले से हम मान के चले कि 60-70% लोग जो हैं वो जबलपुर आना जाना करते हैं। हमारा जो ये एफर्ट है अब उन कैरियर्स को ढूंढने का है जिनमें अभी कोई सिम्टम नहीं, जैसे कलेक्टर साहब ने बड़ा अच्छी तरीके से बताया कि जिन्हें कोई सिम्टम नहीं है अभी, वो बिल्कुल स्वस्थ लग रहे हैं, उनको ढूंढने का हमारा अब प्रयास है। इस संदर्भ में एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस जो है इसको लेकर सभी को जो हमारे पास डेटा है, हमारे पास जो लोग अप डाउन कर रहे हैं, जिनको हमें डाउट है कि ये जबलपुर में रहे हैं इस समय में, उनकी हम टावर डेटा रिकॉर्ड्स और टावर डंप भी एनालाइज करेंगे। जो जबलपुर में जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनके एरिया में, उनके टावर्स में जिनकी लोकेशन पाई गई है, उनको हम अगले 3-4 दिन में चिन्हित करने की कोशिश करेंगे। ये प्रोजेक्ट जो है ये भारत सरकार द्वारा भी टेकअप किया गया है, हम नरसिंहपुर में इसे लागू करेंगे ताकि हमें ये चिन्हित हो जाए कि हमारे नरसिंहपुर के वास जबलपुर में उस क्षेत्र में जहां पॉजिटिव केसेज आए हैं पर पिछले 14 दिनों में गए हैं कि नहीं गए हैं और कितनी देर तक वहां रहे हैं, इसको चिन्हित करने की हम कोशिश करेंगे। थैंक यू। देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं ये सभी जगह, मैं आपको 4 जिलों की बात बताऊं। कल रात को मैंने नागपुर के कलेक्टर से भी बात की, नागपुर में, लखनऊ में, अपने मुंबई में, पुणे में, इन चारों जगह जैसे ही लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था लोगों ने संग्रहण करने के लिए लोग मार्केट में गए थे। ये बड़ा स्वाभाविक है, इसको बहुत ज्यादा आप जो है रोक भी नहीं सकते। जैसे ही आप इस तरह के प्रतिबंध आप लगाएंगे लोग अपने खाद्यान्न का इंतजाम करने के लिए, साग सब्जी का इंतजाम करने के लिए मार्केट्स में जाएंगे। आज के लिए हमने इसीलिए छूट दी है, लोग यदि मान लो मार्केट में जा रहे हैं, साग सब्जी खरीद रहे हैं, फल खरीद रहे हैं, कुछ दवाइयां खरीद रहे हैं, कुछ खाद्यान्न खरीद रहे हैं, तो रखें इस हिसाब से रखें कि अगले 14 दिन तक उनके घर के कितने मेंबर हैं और कुछ उन्हें सामग्री की उनको आवश्यकता पड़ेगी उसको करें। मैं इस बात को आपको फिर एक बार कह रहा हूं कि ये जो 14 दिन का टोटल लॉकडाउन रहेगा इसमें निश्चित तौर पर कुछ अंतराल के बाद हम इस बात की समीक्षा करेंगे कि इसमें हम कुछ समय के लिए ढील दें। ढील में हम कुछ विशेष कैटेगरी के लोगों को जो है वो घंटे 2 घंटे के लिए बाहर आने की इजाजत देंगे। जैसे हम भी कह सकते हैं, अभी मैं फाइनली आपको नहीं कह रहा पर जो हमारी चर्चाएं कल रात को हुई है और हमने विचार किए हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि हम जो है महिलाओं को इजाजत दे देंगे कि महिलाएं जो है फल सब्जी खरीदने के लिए, खाद्यान्न खरीदने के लिए 2 घंटे के लिए अपने घर से बाहर निकल सकती हैं। उससे एक डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। हम कुछ बात कुछ कह सकते हैं, हम पिकेट्स बना सकते हैं कि यहाँ पे जो है इतनी देर के लिए सामान मिलेगा। बैंकिंग की गतिविधियां हैं, बैंकिंग की गतिविधियों को हम सीमित कर सकते हैं कि 2 घंटे के लिए बैंक खुलेगा, इस 2 घंटे में आपको यदि कुछ पैसा वैसा निकालना है, कुछ करना है तो उस तरीके का कर ले। इस तरीके सारे कदमों पे हम विचार कर रहे हैं जिसमें कि लोगों को दिक्कतें जाएंगी उनके सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, टेस्टेड सॉल्यूशंस हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई नया इनोवेशन कर रहा हूं, ये ऑलरेडी पहले कई बार हम इस तरह की चीजों को यूज कर चुके हैं, उन चीजों को हम यूज करेंगे। और जब भी हम इस तरह की शिथिलता करेंगे, इस तरह के अनुमतियां देंगे, आपके माध्यम से जनता तक उसको पहुंचाएंगे। उनको हम वापस भेजने की व्यवस्था करेंगे, हम इसीलिए कह रहे हैं जो लोग नरसिंहपुर में आना चाहते हैं। जी हाँ, आज रात को 12 बजे के बाद आने और जाने दोनों की नहीं है।
जाने के बारे में मैं आपको कह सकता हूँ, जाना रोकना तो बहुत ही आसान है, उसको तो हम किसी स्थिति में नहीं करेंगे। विशेष परिस्थितियों में यदि किसी को जाने की आवश्यकता होगी, मसलन इलाज के लिए कराना है, किसी का कोई ऑपरेशन होना है, जबलपुर मेडिकल कॉलेज में होना है, कहीं और जाना है, तो उस कंडीशन में उसको पास लेना पड़ेगा हमारे साथ, तो उसको कारण बताना पड़ेगा कि उसका क्या इमरजेंसी है और क्यों उसको जाना चाहिए। वो स्पेशल परिस्थितियों में हम अनुमतियां जारी करेंगे। नहीं नहीं, कुली हम्माल ऑटो कोई नहीं चलेगा, सारे लोग जो हैं अपने घर के अंदर बंद रहेंगे। श्रीवास्तव जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी बंद न करें। सर, जब एक को बीमारी हो जाएगी तो क्या दिक्कत होगी, आप यही समझ पा रहे हैं? बिल्कुल श्योर, मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि दो बड़े पॉपुलर कंट्रोल नंबर हैं हमारे यहाँ, एक 100 नंबर डायल का है, दूसरा 108 है। इसके अलावा हमने कलेक्टर कार्यालय में भी एक कंट्रोल रूम बनाया है जिसका नंबर 230681 है, ये 681 230681। तो मैं जी सही बोल रहा हूँ, 230681 एक 100 नंबर है और एक 108 नंबर है। आपको यदि कोई भी समस्या है जिले के नागरिकों, आप खुद भय तौबा करने की बजाय इन कंट्रोल रूम पे फोन लगाए, 24 घंटे चालू रहेगा, बड़े जिम्मेदार अधिकारियों की ड्यूटी रहेगी, सारे जिम्मेदार अधिकारी जो है पूरी तैयारी के साथ यहाँ बैठेंगे। किसी को कोई परेशानी है, कोई बीमार हो गया, गिर गया, हड्डी टूट गई, कोई अटैक आ गया, इस तरह की कोई भी स्थिति है, उन सारी चीजों को हम इन कंट्रोल रूम के माध्यम से। जी सही बात, ये बिल्कुल सही है, जो स्वस्थ लोग हैं मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मास्क जरूरत नहीं है उनको पहनने की, जो मास्क अभी अवेलेबल है वो मास्क, जैसे मेरे को आप दिख रहे हैं आपके बगल में बैठे हुए, कब से पहने हो इसको आप? 30 मिनट से। इस तरह के जो मास्क हैं ये 6 घंटे के अंदर संक्रमित हो जाते हैं, तो इसके बाद इस मास्क को पहनने में आपको ज्यादा खतरा है बनिस्बत इसको उसमें करने में। जैसे आशीष ने जो मास्क पहना है ये ठीक है कि आप जो है 5-6 घंटे बाद इसको धो लो, तो आप एक 24 घंटे के लिए आप जो है 7-8-4-5 रुमाल आप रख सकते हो जिनको कि बार बार आप चेंज कर लें। तो जो स्वस्थ लोग हैं उनको किसी भी स्थिति में जो है ये पहनने की आवश्यकता नहीं है। इनको पहनने की आवश्यकता तभी है जबकि आप किसी संक्रमित व्यक्ति से मिल रहे हैं या खुद आप संक्रमित हैं, वैसी स्थिति में आपको पहनने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप घर पर रहें, घर पर आप केवल साबुन से हाथ धोते रहें, ना तो आपको सैनिटाइजर की आवश्यकता है उसके लिए, ना मास्क की आवश्यकता है। मास्क और सैनिटाइजर, इसके बारे में बहुत ज्यादा आपाधापी करने से इनकी क्राइसिस क्रिएट हो जाएगी। ये केवल हमको जो है इस बात को समझना चाहिए जवाबदारी के साथ कि ये दोनों चीजें उन दो लोगों के लिए हैं जो या तो संक्रमित हैं या इस संक्रमण के बचाव के लिए ड्यूटी में तैनात हो रहे हैं, उन लोगों को आवश्यकता पड़ेगी। तो कृपया करके ये सामग्री की क्राइसिस है, ये सामग्री इन दो लोगों के लिए छोड़ दें। आप स्वस्थ हैं तो घर में रहें, बिना मास्क के रहें। मास्क यदि आपको लगता है कुछ लगाना है तो आप गमछा और रुमाल जो है उसको आप बांध सकते हैं, वो भी मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 4-5 घंटे से ज्यादा उसको जो ना पहने उसको फिर से सैनिटाइज करें, धो के आप कर सकते हैं, धूप में सुखा के उसका इस्तेमाल करें। सर, नागपुर और जबलपुर सर एक बड़ा किराने के इलाके में, किराने के मामले में नागपुर और जबलपुर एक बड़ा होलसेल पॉइंट है, वहां से खाद्य सामग्री आती है। 14 दिन में आज तो मुश्किल है कि पूरे जिले में जो एकदम से शटडाउन लागू हो रहा है, क्राइसिस रहेगी, लोग सामग्रियां। हाँ, इसमें मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा कि हम इसमें तैयारी कर रहे हैं। आज अभी 12:30 बजे मैंने जो है इस तरह की जितनी अत्यावश्यक सामग्री है उनके जो संघ के पदाधिकारी हैं व्यापारिक संगठनों के, उनको बुलाया है, उनके माध्यम से हम कार्ययोजना बनाएंगे, चाहे दूध के हो, फल सब्जी हो, आलू प्याज हो, खाद्यान्न हो, हम इसकी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए एहतियातन कदम उठाएंगे। लोग भागे ना, परेशान ना हो खाद्य के लिए। किसान वाला, मैं आपको जो मैंने आपको किस तरह का, देखो मैं दीपक एक बार बताऊं, लोग यदि कोरोना से नहीं डर रहे हैं तो दीपक सक्सेना से क्या डरेंगे? आत्मविश्वास है। हाँ, कल आपका सर काफिला निकला, दुकान बंद हुई है, काफिला निकलने के बाद बंद हुई है, ये चीज भी लोग रूटीन में
इसका बड़ा सीधा सा तरीका ये है कि आप यदि किसी भी सामान को हाथ लगा रहे हैं तो उसको हाथ लगाने के पहले हाथ धो लें, हाथ लगाने के बाद धो लें। ये जितना आप उसको डिस इन्फेक्ट कर सकते हो उतना अपने स्तर से करने की कोशिश करें। और सबसे अच्छा तरीका इसका जो है कि हर चीज में सैनिटाइजर लगाने की आवश्यकता नहीं है। गर्म पानी जो है वो सबसे बेहतर इसका उपाय है। देखिए, टोटल लॉकडाउन का मतलब है हर व्यक्ति अपने घर में रहेगा तो भगवान भी अपने घर के अंदर रहेंगे और भगवान की पूजा करने वाला जो व्यक्ति है वो भी अपने घर के अंदर रहेगा। तो जित नहीं टोटल लॉकडाउन रहेगा, चाहे मंदिर हो, चर्च हो, मस्जिदें हो, गिरजाघर हो, ये सारी चीजें बंद रहेंगी। ऑल इंडिया की नहीं, मैं नरसिंहपुर की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये इसको डॉक्टर साहब नहीं गया, मैं आपको इसको डिस्ट्रॉय करने के बारे में, मतलब मैं अभी कुछ नहीं कहता कि आप जला दो या कर दो, मैं डॉक्टर साहब से चर्चा करके आपको बताऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ हम लगातार आपसे संपर्क करेंगे और संपर्क करने के दो जो ऑथेंटिक नंबर हैं वो मैंने आपको बता दिए कि उनके माध्यम से आपको मैसेज आएंगे। तो अभी 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 12 बजे तक का रात को टाइम मैं दे रहा हूँ, पूरा दिन दे दिया अभी आने के लिए वापस जबलपुर से। ऐसा क्या काम है जबलपुर ही रहना, कल तक कल ही आएंगे हम वापस। कल रात को आपसे मैसेज करवाया, आज पूरा दिन है, आ जाए वापस। जी हमारे अखबार पार्टी उसके लिए हम व्यवस्था बना रहे हैं। अखबार और दूध के लिए जो है वो हम व्यवस्था पे विचार कर रहे हैं कि हम किस तरीके से उनको पासेस देंगे या कैसी व्यवस्था करेंगे ताकि घर घर जाके जो दूध बांटने वाले लोग हैं या अखबार बांटने वाले लोग हैं वो किस तरीके से करें, वो बहुत जल्दी आपको जो है या एक लिखित आदेश के रूप में आपको मिल जाएगा। कोई भी गाड़ी से है रात में 12 के पहले 3 बजे आएगी, उनको प्रवेश नरसिंहपुर में दिया जाएगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो रात में लौटे, सर उनके पास दूसरा कोई। अभी अभी यदि आपके पहचान का कोई लौट रहा हो ना तो उससे आप मेरी बात करा देना। अभी मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जो आपकी चिंता जायज है वास्तव में जायज है। अभी मेरे पास जस्ट करीब जब मैं आपसे बात कर रहा था उसके करीब पौन घंटा पहले मेरे पास एक फोन आया बेंगलोर से कि साहब मैं जो है बेंगलोर से फ्लाइट से आ रही हूँ, एक महिला है कि मैं फ्लाइट से आ रही हूँ, रात को 9 बजे मेरी फ्लाइट जो है वो वहां पहुंचेगी और मैं जो है फिर इसके बाद 9:30 बजे यदि वहां से निकलूंगी तो हो सकता है कि मैं 1:30 बजे यहाँ पहुंचू, तो मेरे को रास्ते में फिर 12 बजे से रोक लेंगे तो फिर मैं कैसे करूंगी, क्या मैं मेरी फ्लाइट कैंसिल कराऊं। तो मैंने उनको कहा आपने अच्छा किया कि आपका मेरे को फोन कर लिया, मैंने उनका नंबर कंसर्निंग SDM को नोट करा दिया कि ये आएंगी तो हम इस तरह का सहयोग करेंगे। ये एक आध दो घंटे की बात है, पर ऐसा नहीं है कि मैं तो कल सुबह निकलूंगा फिर मैं नहीं कर पाऊंगा उसमें मदद। रात में 3 बजे जो ट्रेन आएगी भांजी वगैरह तो मामा जी सतर्क है ना, बता रहा हूँ उनको मना कर सकते हो कि वहीं रहो तो मना कर दो, बेहतर हुए वो ज्यादा बेहतर है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ना अपने घर में किसी को आने दें ना किसी के घर में जाएं, इससे बेहतर बचाव का कोई उपाय नहीं। वो नंबर अभी हम आपको सर्कुलेट करेंगे एक आदेश के रूप में, जिन अधिकारियों की उस काम के लिए ड्यूटी लगाई जाएगी उसके बारे में भी जानकारियां देंगे 14 दिन के लिए, 21 तारीख से लेकर 14 दिन के लिए व्यवस्था रहेगी। जी हमारे कोर्ट में 21 मार्च तक की व्यवस्था की बात कर रहे हैं।